हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही क्यों बोल रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड भी बोल सकते थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड भी बोल सकते थे, बट हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही क्यों पढ़ते हैं? कोई बताएगा आशीष? यस सर, गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं इसलिए कॉन्स्टेंटली काइनेटिक। मूव करते रहते हैं। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी आप बोलो, तो कॉन्स्टेंटली इधर उधर मूव करते रहते हैं। बट अब ये है कि सर, मूव करते रहते हैं तो मूव करने में क्या होता है कि कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, हो सकता है किसी को धक्का मार दिया। मान लो कोई मूव कर रहा, उधर से आया, किसी को धक्का मार दिया, है ना, या हो सकता है किसी को पकड़ के रख ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब कि जब भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अजम्पशन ये है हमारा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एबसेंट इन आइडियल गैस। आइडियल गैस में ये क्या होता है? एबसेंट होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो स्पीड में वो चल रहा था, अब उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो तुम नॉर्मल स्पीड से चल रही हो, मैं पीछे से आया धक्का मार दिया, तो तुम्हारा क्या स्पीड वही रहेगा? नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर फिर तो हर एक पार्टिकल का पर्टिकुलर स्पीड बताना या स्टडी कर पाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग एवरेज स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज। तो जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, तो दो चीजें अभी मैंने आप लोग को बताई हूँ, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। पहला जो मैंने बताया पॉइंट, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज एब्सेंट इन आइडियल गैस। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है आशीष? दूसरा, यस सर, क्लियर है। हाँ, दूसरा हम लोग एवरेज एवरेज क्या पढ़ते हैं? एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं, आपको बताया, क्योंकि अगर हर एक मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल से अगर मैं बारी बारी से स्टडी करूं, दैट इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या तुम बोलोगे सर, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोल दो, यहाँ पे सर एक एटम्स मॉलिक्यूल्स बोल दो, यहाँ पे एक एटम्स मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक एटम। ठीक है, ये मान लो मूव करते 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 आया, इससे कोलाइड कर गया, फिर इधर से आया, ये इससे कोलाइड कर गया, ये इससे आया, इससे कोलाइड कर गया। ठीक है, तो ये मान लो इसका नाम ले लिया मैंने A1, इसका नाम ले लिया A2, इसका नाम ले लिया A3, इसका नाम ले लिया A4। तो ये A2 तक पहुंच रहा है, A2 तक पहुंच रहा है, इस पाथ को क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा मुझे? इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मतलब डिस्टेंस बिटवीन, मतलब क्या हुआ है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल कोलाइड होने से पहले तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। नहीं समझो? ठीक है, उसके बाद अगर जो ये टाइम लेता है, जितना टाइम ले रहा है कोलाइड होने में, ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दो चीज मैंने बताया। क्या बोला? कि अगर ये एटम मॉलिक्यूल्स यहां से यहां आकर के अगर कोई एक दूसरे से टकराते हैं, बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है जिसको कहते हैं क्या? मीन फ्री पाथ। और जो टाइम लेता है जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टाउ 1 बोल दो, ये टाउ 2 बोल दो, ये टाउ 3 बोल दो, ऐसे समझ में? तो एवरेज तुम लोगों को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसका डिस्टेंस का नाम ले लिया, क्या ले लिया? लैम्डा 1, इसका ले लिया लैम्डा 2, इसका ले लिया लैम्डा 3। तो मीन फ्री पाथ हम लोग कैसे निकालेंगे? मीन फ्री पाथ, तो Δm = क्या बोलेंगे? Δ1 + Δ2 + Δ3 डॉट 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 कर देंगे n टाइम्स। ठीक है, तो Δn / n कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को कैसे लिखेंगे हम लोग?
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को कैसे लिखेंगे, टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीन निकाल देना, एवरेज मतलब मीन, मीन निकाल दे तो एम दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन अपॉन एन। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया? इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेन कॉन्सेप्ट में, जो थ्योरी दी गई थी, ठीक है, जो थ्योरी दी गई थी। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर ये 1873 में ये सारी चीजें पता चल रही हमें, ठीक है, बट जो थ्योरी दी गई थी बहुत पहले दी गई थी, बहुत पहले, ठीक है, मतलब 1661, मतलब 1661 में एक थ्योरी दी गई है, और उसके 80 या 100 साल के बाद फिर एक थ्योरी दी गई थी 1783 में, फिर उसके बाद दी गई थी 1811 में, ठीक है। तो 1661 में जो थ्योरी दी गई थी उसको बोलते हैं बॉयज लॉ, ठीक है, BOYLES, ये लॉ दी गई थी। और 1783 में जो लॉ दी गई थी जिसको बोलते हैं चार्ल्स, और 1811 में जो थ्योरी दी गई थी जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, ये तीनों को मैंने यहाँ पे एक साथ इसलिए लिखा ताकि आप लोग को समझने में काफी आसानी हो, ठीक है। तो बॉयज लॉ क्या कहता है, वो कहता था कि भैया टेम्परेचर को है ना हम कांस्टेंट रखें, क्या ये बोल रहा था, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रख रहा था वो ये कांस्टेंट रख रहा था, ठीक है। चार्ल्स क्या कर रहा था, वो कह रहा था भाई हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कह रहा था, हम दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, है ना, टेम्परेचर को भी रखेंगे एंड प्रेशर को भी कांस्टेंट, ये दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट अगर बॉयज लॉ बोला हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये कह रहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, तो आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट टर्म, तो हम C1 by P लिख सकते हैं, P को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, Vp equals to constant, है ना, पहले Vp लिख लो या PV लिख लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां से एक मुझे पता चला है कि P1 V1 equals to P2 V2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तीनों का ग्राफ भी हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आते हैं हम चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स क्या कह रहा था कि भैया पी हमारा कांस्टेंट होगा, तो पी हमारा कांस्टेंट होगा तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कह रहा है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म लगेगा सी, और इसको लिख देंगे टी, तो फिर अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा, वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2, कोई दिक्कत, यहाँ से ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में आते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोल रहा था कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा सा ये बताता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन मैंने 10 ml लिया और ऑक्सीजन भी मैंने 10 ml लिया, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो मैंने इसमें 4 molecules लिए तो इसमें भी 4 molecules होना चाहिए, अगर इसमें जितना मॉलिक्यूल्स ले, हाइड्रोजन में जितना मॉलिक्यूल लूंगा उतना ऑक्सीजन में भी होना चाहिए, तो आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स,
तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां से एक चीज हमें मिल गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. कोई दिक्कत नहीं. तो अभी देखिए, जो मैं यहाँ जो मैं मतलब कि ये बॉक्स में डाल रहा हूं, ठीक है, ये बड़ा ही अभी इसको कंबाइन करके हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें आ रही है. ये क्लियर है तीनों लोग? सही है, मतलब वेरीफाई हो गए थे बाद में. बता रहा हूँ उसको वेरीफाई सबको कराना, तभी तो हम लोग काइंड थ्योरी ऑफ गैप ये सारे लॉ ट्रू कराने पड़ेंगे. अच्छा ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फिर. अब देखिए ग्राफ देखते हैं. ग्राफ किसका? फिर से बॉयज लॉ का. ठीक है, देखिए बॉयज लॉ ने क्या बोला था कि भैया वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि पीवी इक्वल्स टू क्या हो जा रहा था? कॉन्स्टेंट. कोई दिक्कत नहीं. तो फिर हम लोग क्या कह रहे थे? पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू. अब देखो दूसरी चीज, वॉल्यूम इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसका जो ग्राफ बनाएंगे किसका? वॉल्यूम एंड प्रेशर का वर्सेस में. ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ हमारा तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा ग्राफ. ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना ये थ्योरेटिकल बना. क्या ग्राफ बना? थ्योरेटिकल बना, बट एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं तो ये जो ग्राफ जो है वो ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था. ठीक है, कौन से टेम्परेचर में? T1 टेम्परेचर. कौन से टेम्परेचर में? T1 टेम्परेचर. फिर टेम्परेचर को हम थोड़ा सा कम किए. क्या किए? कम किए. तो टेम्परेचर को जैसा कम किए तो मेरा ग्राफ अब ऐसा बना. ये थ्योरेटिकल. ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट हम लोग किए तो ये जो एक सेकेंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा मैंने स्विंग गड़बड़ कर दिया. ये जो था ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बना था. एक सेकंड, ये एक्सपेरिमेंटल बना था. ठीक है, तो थ्योरेटिकल हम लोगों ने देखा तो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा था. ठीक है, ये कौन से टेम्परेचर में? T2 टेम्परेचर. आया समझ में? तो ये दोनों जो T1 और T2 टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हुए आप क्या देख पा रहे हैं? क्या देखने को मिल रहा है कि सर जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वो मैच कर रहा है. जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि एकदम जाके मैच कर जाएगा. आया समझ में? एकदम जा करके मैच कर जाएगा. ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि जो डॉटेड डॉटेड जो मैंने करा है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल. तो एक्सपेरिमेंटल में हम तो आइडियल गैस ले नहीं सकते, रियल गैस होगा, और जो थ्योरेटिकल हम लोग ले रहे थे वो आइडियल गैस था. है समझ में? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो रियल गैस किसमें बदल जा रहा है? आइडियल गैस. क्लियर है? ठीक है, तो बॉयज लॉ कहां पे ट्रू हो गया? कहां पे ट्रू हुआ? हाई टेम्परेचर पे. कौन से टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे. हाई टेम्परेचर में क्या हो रहा है? दोनों गैस जाकर के मिल जा रहा. क्लियर है? चलो आशीष, क्लियर हुआ ये टॉपिक? यस सर. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. दैट इज कॉल्ड द चार्ल्स लॉ. ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है. चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा था? भैया बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो प्रोपोर्शनल का हटाएंगे साइन तो कांस्टेंट टर्म लग गया. तो v by t equals to क्या लिख रहे हैं? कांस्टेंट. कोई दिक्कत नहीं. तो हम लोग यहां से v1 upon t1 equals to v2 upon t2 लिख सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी एकदम डन हो गया. अब इसके बाद हम लोगों ने ये देखा. अच्छा, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना v1 by t1 v2 by t2 किसको मध्य नजर रखते हुए? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, है ना? किसको रखते हुए? कॉन्स्टेंट प्रेशर. ठीक है, अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं.
अब ग्राफ किसके बीच में बनेगा, वॉल्यूम वर्सेस टाइम का, टेम्परेचर के बीच में, टाइम बोल रहा हूँ। तो चलिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका क्या टेम्परेचर और ये क्या हो गया वॉल्यूम। तो जरा देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। हम लोग थ्योरेटिकल क्या देखे, ग्राफ ऐसा बना। अब एक्सपेरिमेंट हम लोग जैसे किए तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। तो क्या आप लोगों ने देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि सर सेम चीज कि टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो वो जाकर के रियल और आइडियल मिल जा रहा है, मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मिल जा रहा है, मतलब ये भी वैलिड हो रहा हाई टेम्परेचर के लिए। नहीं आया समझ में? तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहा है तो ये मेरा ये कौन सा है, ये कौन सा गैस है, ये कौन सा गैस है बताना। ये तो ये आइडियल, ये रियल है, वो आइडियल है, ये आइडियल हो जाएगा और ये रियल हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो दोनों जाकर के मिल जा रहे कहाँ पे, एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है चलो, तो अभी हम लोगों ने चार्ल्स और बॉयज लॉ को अगर मैं मिलाता हूँ, कंबाइन करता हूँ, तो कैसे कंबाइन करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहला क्या था, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया था, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, और ये क्या बोला था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो देखो वॉल्यूम वॉल्यूम तो सेम है भैया, तो हम क्या कर सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई पी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, पी वी उधर चला जाएगा और t इधर आ जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कॉन्स्टेंट के, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ से क्या मिल सकता है, पी वन वी वन अपॉन टी वन, और क्या होगा इधर बताओ, इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सारे जो बॉक्सेस में कर रहा हूँ, ये सारे जो बॉक्सेस कर रहा हूँ देख लो, ये सारे जो बॉक्सेस में कर रहा हूँ इसी पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये बॉक्सेस वाले। ठीक है चलिए, इसके बाद एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कह रहा था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कह रहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले मॉलिक्यूल्स ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स से हमें क्या, यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, है ना। अब देखिए ध्यान से, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप लोगों को पता है ये कॉन्स्टेंट टर्म आता है ना, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगा जी यहाँ पे, आर, अब देखिए आर आएगा वो तो ठीक है, तो इसको एक बार और कंबाइन करके देखते हैं। एक सेकंड, आर तो आपने सही बोला, तो एक बार इसको कंबाइन कर लेते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, ये देखिए अभी बॉयज लॉ क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी, चार्ल्स लॉ क्या पढ़ा था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और अभी क्या पढ़ा था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर ये तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या आएगा, v is directly proportional to n t upon p, कोई दिक्कत नहीं। अभी proportional का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जैसा अभी बता रहा था ये क्या नाम है आपका साहिल, तो साहिल ने बताया एकदम सही बताया कि सर यहाँ पे r आएगा, तो r क्या होता है साहिल बताइएगा, अच्छा वो भूल गया, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो ये पी को इधर भेज दो, तो पी को इधर भेज देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप लोगों को पता है वहां पे कि P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, T क्या है, टेम्परेचर, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक करा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे और इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करा इस क्लास में, क्या ऑब्जर्व करा? अभी तक हम लोग का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट नहीं हुआ है ना, अभी तक जो हम लोगों ने निकाला है वो आइडियल गैस इक्वेशन तक ही निकाला और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में बात ही नहीं करा है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।